इनके घर बच्चे नहीं, ले जा ले जा ले जा ले जा लो क्या हुआ है देखो। ये वीडियो है कल के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट NRC और NPR पर लखनऊ में हो रहे प्रोटेस्ट का। जी हाँ, वहाँ पर औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है और वहाँ से कुछ औरतों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई कल राज्यसभा में शपथ ले रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने सभा को छोड़ने का फैसला किया और उनकी शपथ को ना सुनने का फैसला लेते हुए वहाँ राज्यसभा से निकल गए। दिखाते हैं आपको छोटी सी क्लिप में। The Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. कुछ ही महीनों पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में चीख चीख कर लोगों से ये कहा था कि NRC की कोई बात नहीं हुई है। वहीं कल की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि NRC एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, और वहीं कुछ लोग इसको ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि इनके दोगलेपन की दाद देनी होगी कि कुछ ही महीने पहले जिस शख्स ने ये कहा था कि NRC पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, उसी शख्स की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से NRC पर ये कहती है कि NRC जरूरी है भारत के लिए। अभी भी खुलेआम कुछ बाबा टेलीविजन पे कोरोना वायरस का इलाज बताते हुए गायमूत्र और गोबर को खुलेआम टेलीविजन पे बेच रहे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने बयान में लोगों को संडे की छुट्टी देते हुए सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक लोगों को घर में रहने की नसीहत कर रहे हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कराया। उन्होंने अपने बयान में लोगों को 20,000 करोड़ की मदद की बात करी है और लोगों की इस बीमारी से बचने की सारी सहायता और मुआवजे की भी बात करी है। वहीं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी मुआवजे और लोगों की मदद की बात हुई है। भोपाल ट्रेवल करने वाली अमृता तिवारी लापता हो चुकी हैं। एक भाई ने काफी रिक्वेस्ट के साथ ये बात शेयर करने को अपने न्यूज चैनल पे कही हमसे कि इस लड़की को ढूंढने में थोड़ी मदद करें। आप इस लड़की की इन्फॉर्मेशन दिए गए स्क्रीन से ले सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस लड़की के बारे में कुछ भी खबर मिले। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जा रही है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारत में डॉक्टरों का अकाल है। कुल 10,000 पेशेंट के बदले में एक ही डॉक्टर है, तो ये मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर सबका इलाज बराबर से सही वक्त पे कर पाए। इसलिए लोगों को नसीहत की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों पर रहे और इस वायरस से लड़ने में डॉक्टरों की सहायता करें अपने घरों में रहकर। इसी तरीके का बयान यूरोप में किया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने इस चीज को मजाक में लिया और अपने काम, कॉलेज, स्कूल, क्लब्स में जाते रहे। वहां पे भले ही डॉक्टरों का अकाल ना हो, लेकिन फिर भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है इंसान की सेहत के लिए तो उसको मानना जरूरी होता है। इसी तरीके का ऐलान इंडिया में हुआ है, लोगों को घरों में रहने की नसीहत की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाया जा सके। आपकी क्या राय है इन खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।